जय स्वामीनारायण, जय माता जी, जय श्री कृष्ण, जय महाराज। तो आज है 26 जनवरी और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी हम लोग निकल गए हैं सलून जाने के लिए, और मुझे थोड़ा काम था, सलून में जाना था, हेयर वॉश कराना था, और भाई तो जाके आ गया लेकिन मेरा काम बाकी था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। और आज का दिन कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो जी, नड़ियाद में नया मंदिर बना है, तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हैप्पी रिपब्लिक डे, और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा मेरा भाई। हाय हाय हाय। स्वामी जी के दर्शन करेंगे और आप लोग को भी मंदिर दिखाएंगे, और हम लोग का भी पहला अनुभव है। तो मंदिर बहुत ही जबरदस्त बड़ा बना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मंदिर देखने के लिए, तो आप लोग को भी दिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए।
जय स्वामीनारायण, जय करो जय। Thank you.
मंदिर की तो क्या ही बात करूँ, इतना सुंदर मंदिर है। बाहर से तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन अंदर से तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। बहुत अच्छा लगा जी दोस्तों। 2 या 3 साल पहले की बात करोगे ना अगर, कि मैं इतना मंदिर विजिट नहीं करती थी, और या मैं शायद इतना स्पिरिचुअल भी नहीं थी, या इतनी स्पिरिचुअल बातें भी नहीं करती थी, इतना मैं भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, इतना नहीं कर पाती थी। ये मुझे फोर्स करना पड़ता था मम्मी को कि चल मंदिर जाते हैं। लेकिन अब खुद से ऐसे लगता है कि कहीं पे जाना है घूमने, तो ऐसे लगता है कि कहीं पे भी जाए ना तो मंदिर जाएंगे, मंदिर दर्शन करने जाएंगे। फिर वो शंकर भगवान का मंदिर हो, स्वामी जी का मंदिर हो, या कौन सा भी मंदिर हो, लेकिन मंदिर में जो सुकून है, आपके भगवान के पास जो आपको सुकून मिलता है ना, वो कहीं पे नहीं मिलता। और मुझे टाइम के साथ ये पता चला है कि जैसे माँ बाप का किरदार होता है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार होता है, वैसे ही भगवान का भी इम्पोर्टेंट किरदार होता है। भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो वही मैं बहुत खुश हूँ ये 3 साल से, जब से स्वामी जी मुझे मिले हैं मेरे लाइफ में, तब से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, बहुत पॉजिटिव रहने लगी हूँ, और मैंने बहुत ग्रोथ की है मेरे लाइफ में, और इतना कॉन्फिडेंस मुझ में था नहीं पहले जितना अभी आया है। और आए बाबू, हाय हाय मामा, क्या चल वीडियो में भी शायद आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन जो मेरे आंखों से मैंने देखा है वो पता नहीं वीडियो में आएगा या नहीं, जो मैंने देखा है वो तो पूरा अलग ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग, मैं पापा को भी लेके आऊँगी यहाँ पे, मम्मी को भी, और कोशिश करूँगी कि रोज़ आए 7 बजे यहाँ पे आरती के लिए गोलू को लेके। तो ये इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अभी चलते हैं हम लोग घर पे, क्योंकि गोलू को भूख लगी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो घर पे जाके भी आपसे बात करूँगी बहुत सारी, और प्लीज़ जय स्वामीनारायण ज़रूर लिखिए कमेंट में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत अच्छी वीडियोज़ डालती हूँ, कोमल पटेल व्लॉग्स नाम है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। और ये आगे मिलती हूँ आपसे मैं घर पे पहुँच के। यहीं पे एंड करती हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय स्वामीनारायण, जय माता जी, जय श्री कृष्ण, जय महाराज, जय श्री राम, और ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए मुझे। चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, जय स्वामीनारायण ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय, गुड नाइट। 12:30 बजे मुझे ये वीडियो एडिट भी करना है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए।